तो उसके अंदर हमने देखा था जो बाष्पति है वो एक सेंसर का या चले जाएंगे। आगे का मतलब फिर मेंटेन करना ही बोल देगा, जैसे
मान लो कि इसने अपने पास 5 करोड़ या 10 करोड़ इसको दे दिया, इसके पास में 40 हो जाए, यानी कि फिर 5 करोड़ यार इसको 50 करोड़ दे दिया, इसके पास में 35 हो जाएंगे और इसके पास में दीवार 25 रह जाएंगे। यानी कि अगर इसने अपने बोर्ड इसको दे दिए इसके फिर भी 50 नहीं हो रहे यानी कम नहीं हो रहे तो फिर सबसे कम किसके यानी 25 इसके, यानी मान लो इसने सारे बोर्ड इसको दे दिए तो ये जीत जाएगा और अगर इसको इसको दे दिए तो ये जीत जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का मतलब होता है 51 वोट उसको प्राप्त करने अनिवार्य होते हैं। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी कई बार क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि के द्वारा, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या होता है न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का अधिकार है, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। न्यूनतम कोटा क्या होता है कि जितने भी वोट होंगे उसके आधे से एक ज्यादा, मान लो कि जरूरी है 100 वोट हो तो जितने भी वोट होंगे उसके आधे से एक ज्यादा, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को आधे से एक ज्यादा वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और जो चुनाव होगा वो वैधता के आधार पर होगा, यानी कि एक जैसे इसको वैधता कितनी मिलती है, इसको कितनी मिलती है, इसको कितनी मिलती है, तो कितनी मिलती है, इस प्रकार से उनका जो चुनाव होगा वो वैधता के आधार पर होगा। फिर है कि भाई चुनाव के अंदर राष्ट्रपति बाद में जीत गया, जैसे मान लो कोई उम्मीदवार जैसे उम्मीदवार जीत गया और जीतने के बाद में उसका कार्यकाल कितना होगा, वैसे उसका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति समय से पहले भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना त्यागपत्र दे सकता है। या फिर कदाचार के रूप में या संविधान का उल्लंघन के रूप में उसको अनुच्छेद 61, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एक वर्ष में क्या आता है कि अनुच्छेद 61 क्या राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग महाभियोग प्रक्रिया, इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने के उपरांत वो उसके पद से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बारे में आगे उल्लेख करेंगे क्योंकि इसके आगे एक बुक का पार्ट होके आएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले उसको सूचित करना अनिवार्य होगा और किस प्रकार से कौन कौन से सदन के अंदर कौन कितने कितने प्रतिशत वोट आना अनिवार्य होगा, ये तो सारी प्रक्रिया होगी महाभियोग प्रक्रिया के अंदर आएगी। इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि छोटा क्वेश्चन भी आता है और हमने राष्ट्रपति की जो प्रमुख भूमिका थी वो अधिकार देगी आयु जो हमने देखी थी आयु 35 वर्ष, भारत का नागरिक और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो देखेंगे वो देखेंगे राष्ट्रपति के प्रमुख जो कार्य है, राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह वो देखेंगे और जैसे जैसे